क्या ये मूवी इंडिया में रिलीज हुई है? मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे एस्टेला ही क्रुएला डेविल है। बात कर रहा हूँ मैं डिज्नी की क्रुएला मूवी की, जिसकी ओवरऑल लेंथ 2 घंटे 10 मिनट की, और ये सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल जाती है। मूवी की कहानी फोकस करती है डिज्नी के एक फेमस कैरेक्टर क्रुएला डेविल पर, यानी कि बेसिकली उसकी ओरिजिन बताई गई, बचपन से लेके उसके क्रुएला बनने का सफ़र, बचपन में उसके साथ स्कूल में क्या कुछ हुआ था, उसके मॉम के साथ क्या कुछ हुआ था, फिर उसकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है, फिर कैसे वो फाइनली क्रुएला डेविल बनी, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत ही शानदार है, और एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ में जो एक्सीडेंट होते, तो कुछ एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते, लेकिन कुछ एक्सीडेंट आपकी ज़िंदगी को आबाद कर देते, तो इसलिए एक्सीडेंट होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टराइजेशन की बात करूँगा तो यार, क्रुएला डेविल की कैरेक्टर को जिस तरह से यहाँ पर लिखा है और जिस तरह से उसको डेवलप किया है, स्टार्ट से लेकर एंड तक बस आप उसी को देखोगे। आप चाहे उसको आप प्यार करो या हेट करो, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके अलावा दूसरी फीमेल कैरेक्टर है, यानी कि बैरोनिस की, उस कैरेक्टर को इतना गजब का लिखा कि बस आप उसको हेट करते हुए थकोगे नहीं। इस मूवी में आपको एक्शन, इमोशन और कॉमेडी, इन सबका एक परफेक्ट बैलेंस देखने को मिलेगा। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर एक सीन को बहुत ही अच्छी तरह से शूट किया, बहुत ही कलरफुल कॉस्ट्यूम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और जो पुराने इरा को वो लोग ने रिक्रिएट किया वो देखकर कमाल लगता है। VFX बहुत अच्छे, और जिसके अंधेरे की सीन, यानी कि जितने डार्क सीन है, उसको इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर बताया है कि बस आप देखोगे तो एक अलग जोन में चले जाते हो। और अगर म्यूज़िक की बात करो तो भाई डिज्नी का कोई जवाब नहीं है। एक ऐसी मूवी उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट की कि वो किसी पोइट्री जैसी आपको फील होती है, स्टार्ट से लेकर तक जो म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स है, मज़ा आ जाता है यार। और उस पर जो नरेशन का तड़का डाल रहा है, गजब भाई गजब। एक्टिंग की बात करो तो एमा स्टोन ने एज क्रुएला डेविल आपके दिल पर कब्जा कर लेगी पूरी तरह से, क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया, एकदम लाजवाब। और उसके अलावा जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, उन लोगों ने भी किलर परफॉर्मेंस किया। मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ये उन मूवीज़ में से एक है जहाँ पर ओरिजिन को वाकई में अच्छी तरह से बताया कि आदमी हर एक चीज़ को इजीली समझ सके और मज़ा आए देखने के लिए। मूवी वो ही अच्छी होती है जो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, और ये मूवी आपको स्टार्ट से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करती है। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसकी लेंथ, जो कि मेरे सबसे ज़्यादा है। ये मूवी को 1 घंटे 55 मिनट या 50 मिनट की होती तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता, बाकी ऐसा कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। मूवी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, कुछ भी एडल्ट सीन नहीं है। इस मूवी को मैं रेटिंग दूंगा 9 out of 10। फाइनली मैं बता दूं कि ये मूवी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है, हालांकि ये आपको काफी इलीगल साइट्स पे देखने को मिल जाएगी HD प्रिंट में, तो वो सारी चीजों को मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। भाई आपको जो करना है करो, मेरे बोलने से कुछ उखड़ेगा, मेरे बोलने से कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है, तो काई के लिए मैं कुछ बोल के बवाल लूं। जो करना है करो, मेरा काम था रिव्यू करना, आपको बता दिया, बाकी अब आप लोग खुद जिम्मेदार हो। भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।